दोस्तों, क्या आपको एक कार्टून याद है? कुछ समय पहले जब भारत की पॉपुलेशन चीन से आगे निकल गई थी, तब जर्मन की एक मैगजीन ने यह कार्टून बनाकर भारत का मजाक उड़ाया था। इसमें चीन को बुलेट ट्रेन पर आगे बढ़ते हुए और भारत को एक पिछड़े देश के रूप में दिखाया था। अब चलिए आप ये दूसरा ग्राफ देखिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की संभावना यूके 75%, न्यूजीलैंड 70%, यूएसए 65%, जर्मनी 60% और इटली, कनाडा सहित कई यूरोपीय देशों में रिसेशन की संभावना है। अब आप इंडिया का नंबर देखिए। इसमें इंडिया का नंबर सबसे आखिर में है, यानी भारत में आर्थिक मंदी की संभावना 0% है। तो अब इस आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी है और जो जर्मनी भारत का मजाक उड़ा रहा था, सबसे पहले वही इस आर्थिक मंदी का शिकार बना है। जर्मनी की इकोनॉमी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साथ ही यह यूरोपीय यूनियन की भी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जहां इसका योगदान 25% है। लेकिन दोस्तों, इस आर्थिक मंदी के आने के पीछे भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जर्मनी ने जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी में आर्थिक मंदी क्यों आई, जर्मनी के बाद अब आगे किसका नंबर आने वाला है और इस ग्लोबल रिसेशन से भारत की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने वाला है। चैप्टर 1, ये आर्थिक मंदी होती क्या है। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब लगातार दो क्वार्टर, अब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी लगातार 6 महीने तक जब इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की जाती है, तो वो देश आर्थिक मंदी में जाने लगता है। अब जर्मनी की बात करें तो 2022 के फोर्थ क्वार्टर में इसकी इकोनॉमी में माइनस में 0.5% की गिरावट हुई। उसके बाद 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में माइनस 0.3% की गिरावट हुई। अब जब कोई देश आर्थिक मंदी में जाता है तो होता क्या है? देखो, मंदी तब शुरू होती है जब उस देश के लोग खर्चे कम कर देते हैं। शॉपिंग करना, नए सामान खरीदना, कार खरीदना, घर बनाना जैसी चीजें बंद कर देते हैं। लोगों का ध्यान पैसे बचाने पर ज्यादा होता है। अब इससे मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और जब डिमांड कम होती है तो सामानों की सप्लाई चेन भी ठप हो जाती है। अब जब मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का प्रोडक्शन भी गिर जाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, महंगाई बढ़ जाती है, यानी कुल मिलाकर कहें तो देश की आर्थिक स्थिति हर तरीके से खराब हो जाती है। चैप्टर 2, जर्मनी ने कौन सी गलतियां की। अब देखो, युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, रूस पर प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है, लेकिन यहां पर अमेरिका का साथ दे रहे हैं यूरोपीय देश। रूस पर प्रतिबंध लगाने की जिद ने कई यूरोपीय देशों को मंदी की ओर धकेल दिया है। यूरोप के अधिकतर देश अपने तेल और गैस की पूर्ति के लिए रूस पर ही निर्भर होते आए हैं। अब अमेरिका के कहे में आकर इन देशों ने रूस से नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया और रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया। जर्मनी को मजबूर होकर गैस के लिए दूसरे सोर्सेज की ओर शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन यह काम इतनी जल्दी से पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि यह रूस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर थे। सर्दियों के लिए तो जर्मनी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इस मौसम में यहाँ पर घरों को गर्म रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे यूरोप में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई। 2021 में जर्मनी में महंगाई जहां 3.1% ही थी, वहीं 2022 में यह बढ़कर 7.9% तक पहुंच चुकी थी। इतना ही नहीं, बल्कि जर्मनी ने तो यूक्रेन को काफी सारे वेपन भी प्रोवाइड करवाए हैं। लेकिन अब जर्मनी बेक फुट पर आ गया है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि वह व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जर्मनी के अलावा यूरोप के बाकी देशों का हाल भी यही बना हुआ है। देखो, सबसे पहले रिसेशन आने की बात यूके में कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल में IMF ने कहा है कि यूके 2023 में रिसेशन से बच सकता है। अब इसका कारण यूके के PM ऋषि सुनक हो सकते हैं, जो एक गुड इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरा कारण है कि ब्रिटेन 2020 में ही यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। हालांकि यूरोप के बाकी के कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं और आने वाले समय में ये आपको खबरों में सुनने को मिल भी सकता है। चैप्टर 3, ग्लोबल रिसेशन से अब भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर किसी एक देश की इकोनॉमी मंदी में जाती है तो दूसरे देश भी उसे इफेक्टेड होते हैं। अब जर्मनी तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे यूरोप में इसका असर देखने को मिलेगा। अब भारत पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। पहले देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो, यूरोप भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है।
अब रिसेशन की वजह से जर्मनी में डिमांड कम हो जाएगी, जिससे भारत का एक्सपोर्ट कम होगा। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर्स के एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट, देखो जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं G20 कंट्रीज में भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली इकोनॉमी में से एक है। हाल ही में RBI के गवर्नर ने कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट इस वर्ष भी 7% तक रह सकती है। भारत की GDP भी $3.5 trillion को पार कर चुकी है। वहीं भारत में रिसेशन आने की संभावना भी 0% है। अब भारत का इंटरनल कंजप्शन और डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है और यही डिमांड दुनिया भर की कई ग्लोबल कंपनीज को भारत में ला सकती है। और ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे ऑलरेडी कह भी चुका है। ग्लोबल कंपनीज भी चीन से निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। अगर यह कंपनीज भारत में आती है तो देश का मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसे कई फैक्टर हैं जो ग्लोबल कंपनीज को भारत में आने को अट्रैक्ट करते हैं। भारत के पास दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन है, स्किल्ड और यंग वर्कफोर्स मौजूद है और इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिल भी रहे हैं। एप्पल आईफोन का प्रोडक्शन भारत में करने लगा है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि टेस्ला भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में ला सकता है। तो दोस्तों, भारत पर इस ग्लोबल रिसेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे तो कुछ मोर्चों पर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। और इस बारे में आपके क्या विचार है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।